इसमें लोग नौजवान हो, समझ गए नहीं, तो तुम लोग हो और हम लोग हैं, हम लोग नशई लोग हैं, लेकिन हमारा नशा दुनिया आखरत में किसी के पास नहीं है। हमारा नशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। सुबह होती है, शाम होती है, मुझे हर वक्त एक ही फिक्र होती है, हमें आए वो पसंद, जिन्हें आए वो पसंद, उनकी बात बातों में पैगाम में खुदा जाने दो दफ़ा या तीन दफ़ा तुमसे तस्दीक मुझको नहीं चाहिए। जानी कहा है जानी, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन उनसे सुनने से, उनके कहने से थोड़ा और पागल हो जाता हूँ। कहा तुम्हारे जैसा ना आया था, ना आएगा, ना है, ना आइंदा होगा। बेशक मैं तरीकत में हूँ, लेकिन हमारी तरीकत इम्तियाजी है, इसमें नबी करीम का दखल है, और जिससे मैं से दिल लगाया उसकी तसल्ली हो जाती है, और दिल ने नहीं लगाया तो कहते हैं हाँ ख्यालात हैं, तो कहता है ये तो कहता है, ऐसे नहीं कहता है, ऐसे 24 घंटे मीला शरीफ दुनिया में कहीं नहीं होता है। इधर से सुबह से शाम तक मीला शरीफ, रोज ईद हो ना हो जो कुछ हो, तो मैं जो बातें सारी करना चाहता हूँ खोल के नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए। आका जी कहते हैं कल मुन्ना साला कदर उकूल है, लोगों से बात करो जितनी उनकी समझ में आए, उनसे पूछना चींटी क्या खाती है, क्या इसका है, वो बातें बता देते हैं। कभी पूछना कि समंदर के नीचे आगे जाते हैं वहाँ में सब गुम हो जाते हैं, उस जगह कोई बताए जैसे आगे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और बहुत सी बातें हैं। कहा ना बताइए, ना बताएंगे, ना किसी को आज तक पता है जो तुमको पता है। तो इसलिए कहता हूँ आपको हिर्स होनी चाहिए, आप उनका थोड़ा बहुत सोचें, आपके यहाँ आपके दिल में उनकी फिक्र पैदा हो जाए। उनको ना पाया तो क्या पाया, उनको पाना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई आसान है। इंतहाई मुश्किल है 100 माह अपने साथ रखनी, फिर आका जी को भी रखना 100 माह आकर, एक किसी चीज़ को साथ ना रखना, बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की फिक्र। जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, आका जी ने ऐसे इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए, किसके बाद कुछ हो तो ले आए। आका जी के बाद कुछ नहीं था, आपने एक दफ़ा कहा मैं चाहूँ तो पहाड़ सोना हो जाए, तो कहा किसके पास कुछ हो तो ले आए। हज़रत उमर कहते मैं आधा माल ले आया, मैं कहा आज अबू बकर सिद्दीक में से आगे नहीं निकलेगा। वहाँ देखा अबू बकर सिद्दीक आए हुए थे और खजूर के वो पत्ते से उसे सिया हुआ था गरीबान। आपने उनसे पूछा किसी से कितने उस घर में क्या रखा है, तो घर का जवाब दिया घर में खुदा है और आप हैं। एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, तकाजा करम हुआ, कहा तुम्हारे कान ना रुके हैं, न कभी रुकेंगे, ना आइंदा रुकेंगे, जो मर्जी कर। ये क्यों हुआ, आपको भी इधर चलाता हूँ, आपको भी वैसे कह सकते हैं। तो बड़ी सरकार कहते जो किसी का हो जाता है वो उसके काम में दखल देता है, उसके काम में दखल देता है। इसके काम में हजूर सत्संग दखल दें वो काम रुकते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके काम में भी दखल दें। तो आपके काम में दखल दें, जब कुर्बानी का वक्त आता सोचते हो तो सोच के कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी करके इंसान का दिल ठंडा होता है, फिर भी जी नहीं भरता। लेकिन ये होगी नहीं तुम लोगों से,
नियत तो कर लो, फिर आस्ते आस्ते होता है, आस्ते आस्ते होता है, दिल आस्ते आस्ते, तो एकदम नहीं होगी। नियत तो हो सकती है, नियत में मजबूत कर लो, और से मैं गुलाम है मोहम्मद हूँ, मैंने शेख के हाथ अपना नबी सल्लम शेख के वसीले से नबी करी की मोहब्बत ने अपने को बिल्कुल बेच दिया, उनका हो गया हूँ और मैं उनका गुलाम हो गया हूँ, मैं कोई काम उनकी मर्जी के बगैर नहीं करूँगा, समझ गया नहीं। ये सब नियत कर लो, एकदम तो नहीं होगा, नियत सच्ची कर लो, बाकी आस्ते आस्ते नियत में सच्चाई लाओ, एकदम नहीं होता, जज्बा कर रहा आदमी फिर फुस हो गया। तो मैं आस्ते आस्ते चला और फिर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं पागल हूँ, मेरी पागलों से दोस्ती हो सकती है, अकल वालों से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसे काम करता हूँ ना, पहले भी बताया, जोर के वक़्त ही तहज्जुद पढ़ता हूँ, वक़्त का पता नहीं चलता कौन सा वक़्त है, जो खिदमत करते हैं साथ बैठे रहते हैं, ये वक़्त है, फलाना वजीफा पढ़ा नहीं पढ़ा, पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, बताओ। बस नमाज की बड़ी और ठक 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 रही रहती है, नमाज की और तहज्जुद की, समझ गया नहीं। अल्लाह के साथ तो मैं नहीं कर सकता, ये जो कहते हैं बेहूदे बदतमीज़ एहतजाज, वहाँ से एहतजाज नहीं होता, वहाँ एहतजाज नहीं होता, वहाँ एहतजाज दिल के अंदर होता है, वो फिर दिल जाने वो जाने, तुमको अपनी पड़ी हुई है, हमारा फलाना मसला है, हमारा घर में जादू आ गया, हमारा रिजक नहीं खुलता है, मुझे अपनी पड़ी हुई है, और जिसके लिए कुछ करना होता है वो खुद ही हो जाता है, अगर मेरे साथ मोहब्बत कर ले दिल से, तो आका जी उससे मोहब्बत करते हैं, किसी की सिफारिश की, आका जी का सिफारिश कबूल है कि उसको पहले से सब कुछ हासिल हो चुका है, बस तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तो तुमने क्या सुनना है, मैंने क्या सुनाना है। तो यहाँ जिसको मसलन मसाइल हैं वो आए हैं, उसके भी हल होते हैं और शायद रह भी जाए, हमें तो उससे नहीं है मतलब, ख़ास मसाइल वाले हैं, ख़ास वो आए बोले मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं वो चीज़ लेने आया हूँ, और मैं मुँह से निकालूँ मुझे काफरों से भी बदतर कतल करो, गो मैं मुसलमान ही हूँ, भाई क्या लेने आया है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और जो चाहिए उसके लायक भी नहीं हूँ, और उसके बगैर रह भी नहीं सकता हूँ, बस मुझे चाहिए दुनिया आखरत में अल्लाह और सैयदना मोहम्मद, और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल लिखवा लो कुछ लो, या कभी कह दूँ फलाने चीज़ चाहिए तो आप मुझे जैसी मर्जी सजा दें, तो ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ख्याल चलता रहे तो अच्छा है, क्या पता है तुम्हारे दिल में एक दर्द पैदा हो जाए और अल्लाह रहम कर दे, अफसोस से गम से, गम भी ऐसे ना जब दिल को सतावे गम, तुमको शायद कभी देखा है, याद है उनकी बज़्म में पहुँचे थे मगर, याद है उनकी बज़्म में पहुँचे थे मगर, फिर क्या हुआ बाद सबा याद नहीं, फिर क्या हुआ बाद सबा याद नहीं, कहने को मैं कह ना सकूं, आपको जा मैं को जा, आपको जा मैं को जा, हम्म।
जगराज को ताज आपके सर सो है, आपको शहर दूसरा जाना। जगराज को ताज तो सर सो है। तू दिल में आता है समझ में नहीं आता, मैं समझ गया तेरी पहचान यही है। सुनना है क्या सुनाए क्या, ना हो शोकल है न दीवानापन है। बुद्ध से गुजरी पन करेंगे फिर भी यार दा डेरा परे थी परे। सस्सी पुन्ना से मेरे यार, सस्सी पुन्ना से मेरे यार, सस्सी पुन्नो से मिर्जा यार, शेख अमीन जाएक को यार। मेरा उनका मामले में कोई शेख बीच में नहीं है, क्योंकि मैं शेख के पीछे अंधा हो के चला। मजबूरन वो बातें कहता हूँ ताकि तुमको समझ आए, कहते शेख के पीछे अंधे हो के चला। मैं अंधा हो के चलता था, मैं कहता हूँ वो उसका मामला है जो मर्जी करे, मेरा शेख है। अगर टेलीफोन करता था, मैं नमाज में होता था, नमाज तोड़ के जाके बात करता था उससे, इतना अदब करता था। लेकिन जो शेख से अंधा होना चलना, उसमें मैं कुछ कामयाब था। नमाज तोड़ देनी शेख के पीछे, आका के पीछे तोड़ देनी और बात है। आका जी ने तो किसी को बुलाया, वो देर से आया, आपने कहा देर से आए, क्या नमाज पढ़ रहा था। तो आका जी ने कहा जब मेरी आवाज़ आई थी तो नमाज तोड़ देनी थी, मेरा बुलाना अल्लाह का बुलाना है, ये तो उनकी खसूसियत थी। तो मैंने उसके पीछे नमाज तोड़ दी, लेकिन उनके पीछे भी हकीकत यही थी, आका जी की वजह से, इसकी वजह से मैं आका से तल्लुक पैदा हो जाएगा, यही सब बीच में असल वजह तो यही थी। आका जी ने मेरे सब्र को देखा, मोहब्बत को देखा। दुनिया में ना हुआ है ना कभी होगा, शेख लाजिम बीच में होता है। आका जी ने कहा एक वाह है तुम और तुम्हारे हमारे दरमियान में शेख नहीं है, दिए ना सबब बनना था। लेकिन मैं कुछ अंधा होकर चला, और ना ऐसा चलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने आका वाली बात याद रखी थी, मुझे कुछ हो जाए दलदल में जाना पड़े असफरल्ला, जहन्नम में जाना पड़े जन्नत में जाना पड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आका जी चाहिए और आका जी के साथ अल्लाह जी चाहिए। लेकिन अपनी औकात को देखता था, कहता था जैसे ये समझ लो मैं कुजा वो कुजा जात दी कोर किल्ली ते शतीरा नू जफे, जात दी कोर किल्ली ते शतीरा नू जफे। जिसको इश्क लग जाए या ये चीज़ें लग जाए, वो जात दी कोर कुल्ली होवे ना होवे वो लगा ही रहता। तो फिर अच्छी बात जो नायाब हो, जिसकी मिसाल ना हो, ना हो सकती है, तो उसकी क्या बात है। फिर उनका नाम तो लेना ही वजू से सबसे, फिर भी बेअदबी शुमार हो सकती है। नबी करीम का नाम बहुत बड़ा नाम है। फराज़ तूर पे वो कैसे बेनकाब होते, आशना की तजल्ली थी आशना के लिए। जब आपका गए थे जिनकी मेहमान नवाजी को खुदा खुद निकले, किसी के लिए नहीं निकला खुदा, आशना की तजल्ली के लिए आशना निकले। आपको क्या सुनाऊँ, अंदर अंदर मामला, बार बार मामला।
جب خدا اور نبی کا معاملہ آپس میں ہو, کسی کا نہیں ہو سکتا ہے نہ ہوگا, کیونکہ اللہ کے نور سے کوئی نہیں بنا ہے, نہ انبیاء نہ اولیاء نہ امام حضرت. اللہ کے نور سے, ذاتی نور سے بنے ہیں تو کون بنے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انفرادیت کوئی نہیں بنا, نہ بن سکتا ہے. عربی کی عبارت ہے, اللہ نے جب اپنے چھپے ہوئے محبوب کا اظہار کرنا چاہا ہے جی, جو انہیں کے پاس تھا, ان کے نور میں چھپا ہوا تھا, تو عربی کی عبارت ہے, اخذ نورا من نورہ قبضۃ من نورہ. خدا نے اپنے ذاتی نور سے ایک مٹھی بھری اور کہا, کونی محمدن, اے نور تو محمد بن. فکانت ہی محمد ابن عدنان. یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے, باقی ان کے طفیل سب ہیں. سننا ہے کیا, سنائیں کیا, رہا میرے دل میں رہا, رہا رہا میرے دل میں خیال محمد, رہا میرے دل میں خیال محمد, رہا میرے دل میں. میں نے اپنے کو سوچا اور حقیر بہت دیکھا, ان کو جب سوچا تو کچھ اور سمجھ میں آیا, کرم کا تقاضا, کرم کا تقاضا, اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے, وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں. کہا ہم نے تم کو ازل سے چنا ہے, ہم نے تم کو ازل سے چنا ہے, اور باتیں نہ نکلیں تو اچھا ہے, خوشی میں انسان روتا بھی ہے ہنستا بھی ہے, راز کی باتیں بھی نکل جاتی ہیں, اس لیے مجھے جانے دیجئے, ٹکر کھاتے بھنج بدر سے, مڈی چاہتے جلونج, اس میں خوشیاں چھپی ہیں, اس میں خوشیاں چھپی ہیں. وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, لیکن امتیاز سے حاضر ناظر ہر وقت. تو ہم لوگ دعا مانگ لیں, دخیلت کا کہہ لیں, تاکہ یہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے کہ نگاہ رحمت امتیاز سے اٹھی ہوئی ہے. جو میں کہوں میرے ساتھ کہتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. نحن دخيل الله ثم دخيلكم يا رسول الله. العرب يحمون النزيل ويجيرون الدخيل, انتم سيد العرب والعجم, فدخلنا على الله ثم نحن دخيلكم ثم نحن دخيلكم ثم نحن دخيلكم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہ چھوڑا کرو.
कोई वजीफा हो या ना हो, नहीं पढ़ सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई और भी पढ़ लो सारा, लेकिन फ़कत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जी ने कहा है तो फिर वही कहना चाहिए जो उन्होंने कहा है, बाकी पढ़ते रहो, मना नहीं है किसी को भी, इतना ही कहना है जितना उन्होंने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको दिल पे नक्श कर लो, आँखों में नक्श कर लो, ज़बान पे नक्श कर लो, ख्यालात में नक्श कर लो, किसे बातचीत करो जान के ना करो, जैसे भूल जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए बात पूरी कर, भाई बात मैं पूरी करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, की हो गया इन्हों, अब मुनु कुछ हो गया तो तुम्हें भी कुछ होंदा होगा, एक मुनु इंजी होंदा है, जान है वो जहान की, जान है जहान है, होना से कुछ भी न था, वो ना हो कुछ भी ना हो, तेरे दम नार ठंडियाँ हवावा, या रसूल अल्लाह तेरे नाम तो, तेरे दम नार ठंडियाँ हवावा, या रसूल अल्लाह, माना के ज़ौफ है लेकिन ये दिल आपकी राह में थका न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, दिल को खुदा आपसे जुदा न करे, बस मेरी ये दुआ है। ऐसे कहते हैं हो भी सकता, शायद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन मोहब्बत का अंदाज की बात किसी ने कही है, का मंजर नकीर आएंगे मजनू से पूछेंगे, और कहेगा पीछे कुछ पूछना पूछना, पहले बताओ मेरी लैला कहाँ है, ये सवाल है, ये भी सवाल है। इबारतें कहते जहाँ अकल की इंतहा व इश्क की इब्तिदा, बेअकल आशिक बन सकता है और अकल वाला धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, और ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, घड़ी घड़ी नहीं मिलती, और इसको खुदा रसूल के कुर्बानी में अगर उनकी अजमत को देखो कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनकी याद को दिल में रखना और हर वक्त यही सोचना, और बगैर सोचने के खुद ही सोच चलनी, अल्लाह बड़ी शय है और नबी जी भी बड़ी शय है, मैं किस तरह इरादे नाल अलग सलैक करा, अलग सलैक, कोई कोई खिचड़ी पकाता है, कोई कोई खिचड़ी पकाता है, 40 साल से ज़्यादा हो गए ये खिचड़ी पक रही है, ये शॉट मुझे मस्जिद में पड़ी थी, इशार्स और मगरब के दरमियान धड़ो मेरे अंदर एक धमाका हुआ, और धमाका इधर से बाहर निकला, फिर मैं नमाज में, नमाज के बाहर भी अल्लाह निकलती थी बड़े ज़ोर से, खुद नहीं निकालता था, अब नमाज पढ़ता हूँ उसमें तो एहतियात कर, उसमें भी दिल निकलती थी, रुकू में भी, और हमारे यहाँ महावी सुन्नी सारे मिले जुले हैं सऊदीया में, वो आते थे कहते थे कि इसके पीछे नमाज पढ़नी जायज है ना जायज है, उसने कहा ये तो उसको खुद ही होता रहता है, ऐसे चीखें चिंगाड़े मारता जोर जोर से, आदमी बैठे बैठे ऐसे हो जाते, ये क्या हो गया, और आका जी का जैसे नाम लिखा हुआ उधर सऊदीया में भी, मैंने इतनी बड़ी बोर्ड या इसके जैसा लगाया था, उसमें अल्लाह मोहम्मद लिखा था, या मोहम्मद या अल्लाह या का लफ्ज़ नहीं लिखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई तश्मी यानी तंग करे मुझे, क्योंकि ये वहाबी हैं या अजमत के ख़िलाफ़ हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह ख़ाब अपने जैसा बशर समझते हैं, तो मैं या का लफ्ज़ नहीं लिखता था, या का लफ्ज़ नहीं लिखता था, लेकिन मैंने अपना जैसा ना दिल ठंडा कर लिया, वो मैंने लिख दिया ये अल्लाह और मोहम्मद, बस ऐसे जब मैं बोलता हूँ जैसे शिशरे की वो हाँ ठहरता है, हाँ
भाई मैं जैसे आता हूँ वही कहते हैं तुम ज़्यादा ना बैठा करो। लेकिन सब तकलीफ़ों से सबसे बड़ी तकलीफ मुझे हर वक्त जो रहती है और नहीं भी रहती है, तो उसकी ज़मानत तो मिल गई है नबी करीम से कि मेरी और अल्लाह नबी करीम की दोस्ती ना टूटे। बस ये दोस्ती जो मेरी हो गई है ना, उसकी भी मुझे ज़मानत आका, जिनका ऐसी ज़मानत किसी को हमने नहीं दी है ना होती है, तुम्हारे लिए है। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम मेरे पास हो। लेकिन जब दिल की दोस्ती करोगे, जैसे मैं कहता हूँ जिसका जी चाहे हुक्म नहीं है, वो ऐसे समझे कभी कभी कि मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तसव्वुर में और नबी करीम के पास लेके गया हूँ और नबी की करीम को कहता हूँ मैं इसकी सिफारिश करता हूँ या सीधी या रसूल अल्लाह इसको कबूल करें, इसको लैला मजनू बनाएं। वो मेरी सिफारिश वापस नहीं करते, कहते कहते थे आपकी तुम्हारी सिफारिश कभी वापस नहीं की जाती। और इधर कुछ ऐसा वैसा होता था तो खामोशी इख्तियार करते थे, ना कहते थे सिफारिश कबूल नहीं, और नहीं भी कबूल ये बात नहीं कहते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इस बातों को ना छेड़ूँ, इधर मैं आगे निकल जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ ये गल्लां तो करने वाली या नहीं सुन तो उनकी होएगा। कहते मोहब्बत वाले की अकल ऐसी होती है उसको अदब बेअदबी सारी माफ़ होती है, कि उसके दिल में नहीं होता ना बेअदबी बेअदबी। उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लाख तूफान हो आपके नारा हैं, हम न डूबेंगे आप सहारा हैं। मैं उल्ट पुलट नहीं हूँ, ये उल्ट पुलट एक और चीज़ की है कि नमाज में भी वो ख्याल रहता है। मैं कहते हैं गल्ला छड़ दिया या ना छड़ा, मैं तो नहीं छड़ सकता भाई। तुम लोगों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा काफ़ी नहीं है? आका जी कहे किसी पर कोई मुसीबत हो, कुछ हो, जैसा भी हो, मेरे पास आए मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, और वो सबके लिए है। और कहते हैं बड़ी सरकार मैं ऐसा दीन लेके आया हूँ जिसमें दिन है रात है ही नहीं है। हमारे पास ना सुन्नी ना शिया ना बरेली कोई मज़हब नहीं है, हमारे पास एक ही मज़हब है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना और खुदा से इश्क करना ये अपने दिल में रखे, ख्यालात में रखे, हैं जी रखे। अब वो होगा नहीं होगा लेकिन तुम सच्चाई के साथ रख लो। तो मैं तेरे नाल मोहब्बत करना, तुम मेरे नाल मोहब्बत करो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे नाल मोहब्बत कर देने उस दिन मोहब्बत कर देना, तो आड़ा खुदा दी कसम ज़मीन आसमान कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी दोस्ती इतने है और तुम्हारी दोस्ती इतने है, तो की चाहिए सानू। कहते थे तुम्हारी सिफारिश वापस नहीं की जाती, तुमने जैसी मोहब्बत मेरे से की है ना किसी ने की है ना करेगा ना हो सकता उससे, तो इसका सबूत तो मेरे पास नहीं है और सबूत देना भी ठीक नहीं है। लेकिन उन पर जो झूठ बोले अपनी जगह जहन्नम में बनाए, मैं अपनी जगह जहन्नम में बनानी है। ये भी इसलिए बातें निकल जाती हैं, तुम मुझसे जुड़ो तो तुम आका जी से समझो जुड़ोगे और जुड़ जाओगे, ये 100% सच्ची बात है। तो मेरा आका जी का मसला बहुत अजीब हो गया है, पहले भी बहुत बातें बताई अब भी बताई और आइंदा कोशिश करूँगा ना बताऊँ बस।